को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा मथुरा धाम श्री कृष्ण के जयकारे से गुंजायमान है। पेश है श्री कृष्ण जन्मभूमि से संवाददाता गिरधर पचौरी की रिपोर्ट। नगरी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई है। पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कारण है आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाना है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज होना है, जिसमें भाग लेने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दर्शकों में जितने भी श्रद्धालु हैं सभी में कितना जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। जिस तरह से पहली और दूसरी कोरोना की लहर खत्म हुई है, उसके बावजूद भी तो आस्था जो है कोरोना पे भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आ चुके? पहली बार आए हैं मथुरा, पहली बार दर्शन करने आए हैं। तो और कितने लोग हैं आपके साथ में? 9 लोग हैं। 9 लोग आप ग्रुप आया है। जिस तरह से अभी कोरोना की पहली और दूसरी लहर खत्म हुई है, तीसरी संभावित लहर भी आने वाली है जैसे कि सरकार द्वारा बताया जा रहा, तो आपको कहीं लगता है कि कोरोना जैसा कुछ है या उसका डर है आपको? कोई भी बात नहीं, भगवान की जय। हमारे साथ श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान सबसे ऊपर है, कोरोना और सारी चीजें भगवान से नीचे, इसलिए वो भगवान अपने राखाना जी के दर्शन करने आज जन्मभूमि पहुंचे हैं। उनके साथ में 9 लोग हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सभी ने मास्क लगाया हुआ है, सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो जगह कम होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, मास्क सभी से लगवाया जा रहा है, सैनिटाइजर का भी यूज कराया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। मैं अपने सहयोगी के साथ गिरधर मथुरा। और सी बी एच